ये कहानी तो ऐसे प्यार करने वालों की है जिनकी लाइफ और थिंकिंग्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक तरफ तो एक लड़का जो कि एक सोशल मीडिया स्टार होता है, जिसके बिलियंस में फैन फॉलोइंग्स होते हैं, हर कोई उससे मिलना चाहता है और उसके करीब जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसकी फैन फॉलोइंग सजा बन जाती है, क्योंकि उसके पास में एक सुपर नेचुरल पावर होती है जिससे कि वो दूसरों के मन में चल रही बातों को आसानी से सुन सकता था और वो अपनी इस पावर को कंट्रोल भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो अपने इस पावर से फ्रस्ट्रेट होकर सबसे दूर हो जाता है और वो एक एरोगेंट और रूड इंसान बन जाता है। तभी उसकी लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती थी। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होगा। मूवी की स्टार्टिंग एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी से होती है जिसका नाम सन है। वो अपने दोस्त पीट के साथ में बैठा होता है। पीट कहता है कि हमें एक शूटिंग के लिए पास के गाँव में जाना होगा, लेकिन सन उसे साफ मना कर देता है। पीट कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने चैनल और फेसबुक पेज बनाया क्योंकि तुम फैन से लाइव नहीं मिलना चाहते थे, और अब जब तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर्स हो चुके हैं तो तुम उनके लिए काम भी नहीं करना चाहते हो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग्स भी कम हो जाएगी। सन कहता है कि तुम्हारे लिए फैंस और व्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं या मैं? पीट कहता है कि ऑफकोर्स हमारा काम इम्पॉर्टेंट है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हमें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सन के दो दोस्त होते हैं, एक पीट और एक केन। दोनों ही सन के सुपर पावर के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। सन उसकी बात मान जाता है और फिर वो दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसे एक टैब नाम का लड़का मिलता है जो कि उससे लिफ्ट मांगता है, पर जैसा कि सन सभी के थॉट्स को सुन सकता था तो वो टैब के थॉट्स को भी सुन रहा होता है, जो मन में कह रहा था अरे ये तो वही एरोगेंट स्टार है, पता नहीं ये इंसान हमें गाड़ी में लिफ्ट देगा भी या नहीं। साथ में वो पीट के लिए भी मन में बुरा बोलता है। ये सब सुनकर सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर ऐना आती है। ऐना सन से हेल्प मांगती है, पर सन तो गुस्से से लाल हुए वहाँ से चला जाता है। ऐना समझ ही नहीं पाती है कि आखिर वो गुस्से में क्यों था। जिसके बाद सन और पीट अपने दोस्त केन के गांव पहुंच जाते हैं। वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम ब्राउनी होता है, जो कि केन की दोस्त थी। वो भी सन की बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए जब वो सन को देखती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ब्राउनी भी इस गांव के लोगों पर थीसिस लिख रही थी कि तभी वहां पर ऐना और टैब भी आ जाते हैं, जो कि कोइंसिडेंसली अपनी स्टोरी की आइडियाज़ के लिए इस गांव में आए होते हैं। अब पीट, सन और केन अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं कि केन कहता है कि हम ये सब तो कर लेंगे, पर सन को लोगों के साथ में पोलाइटली बिहेव करना होगा और अपनी रूडनेस को कम करना होगा, क्योंकि हमें एक फ्रेंडली फेस चाहिए, ना कि एरोगेंट स्टार। सन उनकी बातों को नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वो हमेशा ही लोगों की थॉट्स की वजह से ईयरबड लगाकर गाने सुनता रहता था, ताकि उसे लोगों की थॉट्स ना सुनाई दें। सन के दोस्त उसे सब कुछ समझाते हैं, सन उनकी बात मान भी जाता है, पर वो दो कंडीशंस रखता है। पहला कि उसके साथ में शूट पर केन भी जाएगा, दूसरा कि वो 5 से ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेगा। काम शुरू करने की खुशी में तीनों एक दूसरे को हक करते हैं कि तभी वहाँ पर केन के फादर आकर उन्हें लंच के लिए बुलाते हैं। केन अपने फादर से खाने का मेन्यू पूछता है, लेकिन उनके मन में तो चल रहा होता है कि इन सभी को एक दूसरे से चिपकने से फुर्सत मिले तब ना खाने का ख्याल आएगा। ये बात सन सुन लेता है। थोड़ी टाइम बाद सभी घर के बाहर निकलते हैं तो वहाँ ऐना और टैब अपनी स्टोरी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी ऐना सन से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट इंसान हो, क्या ये सच है? सन कहता है कि इस बात से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐना कहती कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती थी कि सभी तुम्हें इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, लेकिन तुम्हारी इस नेचर की वजह से तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सन कहता है कि मैं फ्रेंडली रहूं या रूड रहूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ना कि तुम्हारी। यहाँ वो ऐना से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐना समझ ही नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन वो सभी गांव वालों से मिलकर शूट करने वाले थे कि तभी वहाँ पर ब्राउनी आ जाती है और वो फिर से उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सन बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। पीट जैसे तैसे करके उसे वहाँ से दूर भेजता है, जहाँ सन अभी शूटिंग से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने कहा था कि वो 5 से ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेगा, पर यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। पीट कहता है कि थोड़ी देर के लिए सबके थॉट्स को इग्नोर करो, तुम्हारी इस पावर की वजह से तुम्हारी लाइफ इफेक्ट हो रही है। पीट के बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करने पर सन मान तो जाता है, जहाँ ये सभी उस गांव की राइस की खेती के बारे में बताना शुरू करते हैं कि कैसे यहाँ के लोग राइस की खेती करते हैं और यहाँ की राइस बहुत टेस्टी होती है। पीट वहाँ की राइस को दिखाना चाहता था, इसीलिए सन को अंदर जाकर लोगों से मिलना पड़ता है, जो कि वो हरगिज़ नहीं करना चाहता था। पर सन के अंदर जाने पर उसे अपना ईयरबड निकालना पड़ता है, क्योंकि उसे वहाँ के लोगों से बात करनी थी। पर वहाँ पर बैठे सभी के थॉट सन के दिमाग में गूंजने लगते हैं, जिसकी वजह से सन वहाँ पर एक भी पल नहीं रुक पाता। ऐना बैठी वहाँ पर ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो रही होती है कि आखिर सन की क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो कुछ क्यों नहीं करना चाहता।
सन एक छोटे से ब्रिज पर जाकर म्यूजिक सुनने लगता है और अपने दिमाग को रिलैक्स करता है कि तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है और वो सन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सन उसकी बातों का बहुत रूडली जवाब देता है जिसकी वजह से ऐना वहाँ से जाने लगती है। तभी सन ऐना में एक खास चीज़ नोटिस करता है कि वो उसके थॉट्स को नहीं सुन पा रहा था। वो इस बात से हैरान होकर ऐना को रोकता है और पूछता है कि तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं, या फिर उसमें कोई थिंकिंग आती ही नहीं है। ऐना कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, जैसे कि तुम सबके इमोशंस को हर्ट करते रहते हो। कभी अपने बारे में सोचा है क्या तुम्हें? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें सभी एरोगेंट बुलाते हैं। सन कहता है कि तुम किसी को जाने बिना उसे जज नहीं कर सकती हो। ऐना कहती है कि तुम भी किसी को जाने बिना ये नहीं बोलना चाहिए कि उसके पास में दिमाग ही नहीं है, जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। रात में सन जब बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे दो लोग रास्ता पूछते हैं। सन उनकी थॉट को सुनकर समझ जाता है कि ये दोनों चोरी का प्लान बना रहे होते हैं। अगली सुबह पीट बताता है कि उन्होंने जो राइस की खेती से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी उससे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। ये सुनकर के ब्राउनी उन्हें व्यूज बढ़ाने के तरीके बताने लगती है। ब्राउनी के जाने के बाद में सन अपने फ्रेंड्स को उन चोरों के बारे में बता देता है और सभी मिलकर उन चोरों को पकड़ने का डिसाइड करते हैं कि तभी उनकी नज़र दो बाइक सवार लड़कों पर पड़ती है जिन्होंने फेस कवर कर रखा होता है। ये देख करके सन को उन पर शक हो जाता है और वो ज़बरदस्ती उनके मास्क को उतरवा देता है। लेकिन वो लोग चोर नहीं थे बल्कि उसी गांव के इनोसेंट लोग होते हैं। वो इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर सन से कहते हैं कि तुम तो वही एरोगेंट स्टार हो ना, हम लोगों को नहीं पता था कि तुम मैनरलेस भी हो, अभी के अभी हम तुम्हारे पेज को अनफॉलो कर देंगे। ये देख करके सन को बहुत दुख होता है कि उसने बेकसूर लोगों को परेशान कर दिया, साथ में उसने अपने फॉलोअर्स को भी खो दिया। वहीं खड़ी ऐना भी ये सब देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पीट ब्राउनी से कहता है कि सन तो तुमसे अच्छे से बात भी नहीं करता है, फिर भी तुम उसे इतना लाइक क्यों करती हो। ब्राउनी कहती है कि मैं उसे काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ और सन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, कौन उसके बारे में क्या सोचता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी एक हेल्प करोगे हमारे पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने में। ब्राउनी कहती है कि हाँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम मेरी मदद करोगे सन के करीब जाने में, जिस पर पीट मान जाता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं उन्हीं दोनों चोर को जो कि ऐना और टैब से काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी कर रहे होते हैं, पर ऐना और टैब कहाँ किसी से कम थे, वो दोनों भी उनकी जमकर पिटाई कर देते हैं। जहाँ सन केन को बताता है कि ये वही दोनों चोर हैं जिन्होंने चोरी की प्लानिंग की थी। केन उन दोनों से कहता है कि आगे से अगर वो इस गाँव में दिखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, जिस पर वो दोनों माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सन साइकिल चला रहा होता है तो ऐना भी उसके पीछे उससे बात करने के लिए जाती है, पर वो सन को रोकने के चक्कर में गिर जाती है। सन फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए जाता है पर ऐना कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से गिरी हूँ। सन उसे उठाता है तो ऐना उसे थैंक यू कहती है। सन को ऐना कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगी थी, पर ऐना तो ठान चुकी थी कि वो ये पता करके रहेगी कि आखिर सन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से है और वो इतना रूड क्यों है, और वो उसकी मदद करेगी। ऐना रात में भी सन के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर टैब आकर उससे पूछता है कि तुमने अपनी स्टोरी के लिए कुछ सोचा भी है या नहीं। ऐना कहती है कि मैं सोच तो रही हूँ और जल्दी तुम्हें बता भी दूंगी। दूसरे सीन में सन की टीम शूटिंग के लिए निकल रही होती है तो ऐना भी उन लोगों के साथ में जाने के लिए पूछती है, पर ब्राउनी जेलस होकर उन्हें साथ में आने से मना कर देती है। ये बात टैब को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वहीं अब शूटिंग शुरू हो जाती है तो ब्राउनी सन को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वो चिल्ला देती है, लेकिन वो लोग उसे मना करते हैं कि शूटिंग के बीच में चिल्लाना नहीं है। दोबारा से शूटिंग शुरू होती है तो ब्राउनी फिर से चिल्ला देती है, पर इस बार वो अपने मन में चिल्लाती है, लेकिन सन उसे सुन लेता है और ब्राउनी से फिर से चिल्लाने से मना करता है। ब्राउनी शॉक होती है कि मैं तो किसी के सामने चिल्लाई भी नहीं, फिर भी सन को कैसे पता चल गया। ऐना भी हैरान रहती है कि आखिर सन को क्या प्रॉब्लम है, कहीं उसके दिमाग का स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया है। शूटिंग फिर से शुरू होती है और इस बार ब्राउनी और टैब के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जो कि एक दूसरे को मन ही मन उल्टा सीधा कह रहे होते हैं। सन ये सब सुनकर कहता है कि तुम दोनों चुप क्यों नहीं हो जाते हो। ऐना ये देख करके फिर से हैरान हो जाती है कि कुछ भी नहीं हुआ फिर भी सन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। केन ब्राउनी और टैब को लेकर के अलग जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से ना क्रिएट हो, जिसके बाद में इनका शूट अच्छे से कम्प्लीट हो जाता है। सन को इतना खुश देख कर ऐना भी स्माइल करती है। पीट इस बात को नोटिस करता है कि ऐना सन के लिए फील करती है। वो सन से कहता है कि तुम ऐना से पूछते क्यों नहीं हो कि वो तुमसे क्या चाहती है, तुम तो उसके थॉट्स को भी रीड कर सकते हो। सन कहता है कि वो पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान है जिसके थॉट्स को मैं नहीं सुन पाता हूँ। ये सुनकर के पीट पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है। सन कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो। ऐना कहती है कि क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। सन कहता है कि बिल्कुल नहीं। ऐना कहती है कि अच्छा,
YouTube और सोशल मीडिया पर कैसे वर्क करते हैं। सन कहता है कि ये सब तो तुम गूगल पे भी सर्च करके जान सकती हो। एना कहती है कि जब तुम सामने हो तो मैं गूगल से क्यों पूछूं, तुम अच्छे से बता पाओगे और वैसे भी तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। सन कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है। एना कहती कि बस इसीलिए तो तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। सन वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर भी एना उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहाँ एक लेडी साइकिल से गिर जाती है। सन उन्हें उठाता है पर वो लेडी बोल नहीं पाती, पर सन फिर भी उनके मन की आवाज़ को सुनकर जवाब देता है। एना पूछती कि तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। सन कहता है कि नहीं। तो एना कहती कि फिर तुम उन लेडी से कैसे बात कर पा रहे थे। सन उसके सवालों से परेशान हो जाता है और कह देता है कि हाँ आती है। पीट कहता है अपने मन में कि ये क्या कर रहे हो, अभी तुमने कहा कि नहीं आती फिर बोल रहे हो कि आती है, तुम खुद को एक्सपोज कर रहे हो। एना कहती कि तुम झूठ भी बोलते हो। अगले दिन एना टैब से हेल्प मांगती है और सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहती है। टैब कहता है कि आखिर तुम उसके बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो। एना कहती कि क्योंकि मेरी स्टोरी सन के ऊपर ही होगी। सन के अंदर कुछ तो राज है जो कि वो हम सबसे छुपा रहा है और मैं इसका पता लगा कर रहूँगी। दूसरी तरफ ब्राउनी पीट से पूछती है कि क्या तुम्हारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, मैं देखना चाहती हूँ। पीट कहता है कि हाँ ज़रूर, क्या तुम डिश वॉश कर दोगी ताकि मैं वीडियो की एंडिंग कर सकूँ। ये सुनकर ब्राउनी डिश को वॉश करने लगती है कि तभी वहाँ पर केन आकर कहता है कि मैं वीडियो को अपलोड करके शेड्यूल कर दूँ ताकि वो मॉर्निंग में पब्लिक हो जाए। ये सुनकर ब्राउनी समझ जाती है कि पीट ने उससे झूठ कहा है, जिसकी वजह से वो पीट के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देती है। पीट को भी ब्राउनी कहीं ना कहीं अच्छी लगने लग जाती है। पीट वीडियो को शेड्यूल करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, ये सोच करके कि पता नहीं वीडियो चलेगी भी या नहीं। सन कहता है कि अगर कॉन्टेंट अच्छा होगा तो लोगों को खुद पसंद आएगा और वीडियो भी चल जाएगी। पीट कहता है कि अगर नहीं चली तो मैं ठेला लगाना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह सभी वीडियो के पब्लिक होने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एना ब्राउनी के पास जाकर पूछती है कि सन इतना एरोगेंट और रूड है फिर भी तुम उसे इतना लाइक क्यों करती हो। ब्राउनी कहती है कि मैं उसकी क्रेजी फैन हूँ, बस इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। अब वीडियो पब्लिक हो जाती है तो सभी का फोकस व्यू पे होता है लेकिन व्यू तो इंक्रीज नहीं हो रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा निराश होने लगते हैं लेकिन देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उनके 10 व्यू 25,000 व्यू तक चले जाते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्राउनी कमेंट्स पढ़ती है जहां उसे सभी एरोगेंट रूड इंसान और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं, जिसे पढ़कर ब्राउनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और टैब भी उसे पीछे से काफ़ी ज़्यादा भड़का देता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर सभी को रिप्लाई करना शुरू कर देती है। एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, आखिर वो किस किस को जवाब देगी, ऐसे में सन की इमेज ही और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बेहतर यही होगा कि वो अपने रिप्लाईज़ को डिलीट कर दे। पर ब्राउनी एना की बात नहीं मानती। टैब कहता है एना तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्र है सन की, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में, बताओ मुझे, जिसका एना कोई भी जवाब नहीं दे पाती। उसी शाम सभी पार्टी करते हैं क्योंकि सन के वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ एना गिटार प्ले करती है और सन उसे देखता ही रह जाता है। अगली सुबह ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है, वो टैब को बताती है कि सन का एक एंटी फैन यहाँ पर आ रहा है, मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई की है चैटिंग पर और जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर के अब यहाँ पर आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एना कहती है कि इस बारे में तुम्हें सन को बता देना चाहिए। ब्राउनी कहती है कि नहीं, सन बहुत नाराज़ हो जाएगा। एना कहती है कि ठीक है मैं ही जाती हूँ। पर जब तक एना वहाँ पर जाती वो एंटी फैन सन के पास में पहुँच चुका था, जिसका नाम ग्रे है। सन उसे पहले से जानता था। एक समय ऐसा था कि ग्रे सन का सबसे बड़ा फैन था, पर एक बार जब वो सन से मिलने आया तो सन उसके लाए हुए गिफ्ट को लेने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। ग्रे उसे रोकता है तो सन उसके गिफ्ट को फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद से वो सन से नफरत करने लगता है, जो अब सन से कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक किसी को हर्ट कर सकते हो। सन फिर से उसे काफ़ी ज़्यादा रूडली जवाब देता है। एना वहाँ पर सन को समझाती है कि तुम गलत कर रहे हो, पर सन उसकी बात को नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। एना उस एंटी फैन से बात करने की कोशिश करती है पर वो भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सन शूटिंग कर रहा होता है तो ग्रे उसे मन ही मन बुरा भला कह रहा होता है, जिसकी वजह से सन शूट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और जिसकी वजह से उसे शूट रोकनी पड़ती है। दूसरी तरफ पीट भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो ब्राउनी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों में गलत मैसेज पहुंच रहे हैं और अब हम तुम्हारी वजह से शूट भी नहीं कर पाएंगे। ब्राउनी अपने किए पर बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। वो पीट से सॉरी कहती है, पीट उसे ऐसा रोता हुआ देख माफ़ कर देता है। तभी वहाँ पर सन आ जाता है। ब्राउनी उससे भी माफ़ी मांगती है लेकिन सन उसे हरगिज़ माफ़ करने को तैयार नहीं था
वो ब्राउनी से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात करता है, जिसकी वजह से ब्राउनी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। ये सब ग्रे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो उस वीडियो को पब्लिक में लाकर सन की इमेज और ज़्यादा ख़राब कर सके। पर उसे ऐना देख लेती है और उसके पास में जाकर पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा। ग्रे कहता है कि तुम भी उसकी ब्लाइंड फैन हो, तुम्हें नहीं पता है कि सन ने क्या किया है। ऐना कहती कि मुझे सब पता है, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम सन के फैन क्लब को फॉलो करना छोड़ दो, क्योंकि तुम फैन क्लब की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिए थे। सन पहले तुमसे अच्छे से बात करता था, पर जब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तब उसने तुमसे रूडली बिहेव किया ताकि तुम फैन क्लब को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सको, क्योंकि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था और ये सब करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे बोला था। ग्रे कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, तुम्हें कैसे पता चला ये सब। ऐना कहती कि अगर सच का पता चलने के बाद भी तुम नहीं बदलना चाहते तो कोई बात नहीं। ग्रे अपने पेरेंट्स को कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि ऐना जो भी कह रही थी वो सब सच कह रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ ऐना सन के पास जाती है और उसे ब्राउनी से सॉरी कहने के लिए कहती है। सन कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ऐना कहती है कि आखिर तुम अपनी पावर को एक कर्ज की तरह क्यों देखते हो, तुम अपनी पावर का गुस्सा दूसरों के ऊपर नहीं निकाल सकते, इससे दूसरों को सिर्फ तकलीफ मिलती है, तुम इस बात को कब समझोगे। इस बात से सन पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है कि आखिर ऐना को ये सब बात कैसे पता चला। वो पीट के ऊपर शक करता है पर पीट कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया। तभी सन को सुनाई देता है कि दो बाइक उनकी तरफ आ रहे हैं। सन ऐना से कहता है कि बीच रोड से हट जाओ। ऐना कहती है कि नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि तुम ब्राउनी को सॉरी कहोगे। तभी दोनों बाइक सामने आने ही वाली होती है कि सन उसे बचा लेता है। सन के सर में चोट होती है, फिर भी वो ऐना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ऐना सोचती है कि बहुत अच्छा इंसान है, बस इसे इस बात का एहसास नहीं है, इसके पास भी दिल है। जिसके बाद ये दोनों लौट रहे होते हैं। ऐना सन से कहती है कि अगर तुम अपने पावर को एक गिफ्ट की तरह देखोगे तो तुम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो, जैसे कि आज तुमने मेरी मदद की। सन ऐना से पूछता है कि तुम्हें ऐसे स्पेशल पावर पर बिलीव है और तुम्हें ये सब कैसे पता चला। ऐना कहती है कि मैंने ऐसी कहानी पढ़ी है कि एक लड़की के पास में एक ऐसी सुपर पावर थी जो कि किसी को भी टच करके उसके पास्ट के बारे में पता कर सकती थी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस सिचुएशन और पेन से गुजर रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सन कहता है पर ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है और ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐना कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी क्योंकि मैं हमेशा ही पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझसे तुम्हें कभी भी बुरे वाइब्स नहीं आएंगे। ये सुनकर सन ऐना की तरफ ना चाहते हुए भी बढ़ जाता है। उसे पहली बार किसी से मिलकर बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, जिसके बाद में एक नर्स आकर सन का बैंडेज करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रे सन से सॉरी कहता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मेरे साथ में कहा था। सन भी ग्रे को सॉरी कहता है अपने रूड बिहेवियर के लिए और उससे पूछता है कि ये सब बात उसे किसने बताया। ग्रे कहता है कि मुझे ऐना ने बताया। इस बात से सन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर ऐना को ये सब बात कैसे पता चली। वहीं दूसरे सीन में सन ऐना से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ऐना को लाइक करने लगा था। वो ऐना से कहता है कि क्या तुम भूल गई हो, तुमने मेरी मदद करने को कहा था, क्या तुम सच में मेरा साथ दे पाओगी। ऐना कहती है कि तुम तो मेरे थॉट्स को पढ़ सकते हो, तुम्हें तो सब पता होगा। सन कहता है कि मैं सबके थॉट्स को सुन सकता हूँ पर मैं तुम्हारे थॉट्स को नहीं सुन सकता। ऐना कहती है सच में, तो क्या मैं कुछ भी बोल सकती हूँ अपने मन में तुम्हारे लिए। सन कहता है कि मैं कोशिश करके बताऊँ कि तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में। तभी सन के हाथ पर आइसक्रीम गिर जाती है, वो उसे क्लीन करने के लिए चला जाता है कि तभी वहाँ पर टैब आकर ऐना से कहता है कि तुम्हारी स्टोरी सेलेक्ट कर ली गई है, तुम्हारा प्लान तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था सन के करीब जाकर उसके बारे में जानने का। अब देखो तुम्हारी स्टोरी सेलेक्ट हो गई। ये सारी बातें सन सुन लेता है और वो ऐना से कहता है कि काश मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ पाता, तुम भी औरों की तरह ही हो। अब दो दिन बीत जाते हैं जहाँ सन और पीट एक नदी के किनारे बैठे होते हैं। पीट कहता है कि तुम्हारी लाइफ में वो पहली ऐसी लड़की थी जिसके थॉट तुम नहीं सुन सकते थे, तुमने उसे भी अपनी लाइफ से निकाल दिया। सन भी अंदर से बहुत दुखी होता है पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद सन और पीट अलग अलग प्लेस पर ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं पीट सन से कहता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे ही रहना चाहते हो, अपने आप को क्यों नहीं बदलना चाहते, तुम्हारी इस रूडनेस की वजह से तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हें सपोर्ट करने वाले हर्ट होते रहते हैं, मैं भी अब थक चुका हूँ ये सब हैंडल करते हुए। सन कहता है कि ठीक है तुम भी मेरी लाइफ से चले जाओ। इस बात पर पीट बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हो जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। सन अब पूरी तरीके से अकेला हो जाता है और वो अपने दोस्त से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाता और वो पीट से दिल से माफ़ी मांगता है। पीट भी उसे गले से लगा लेता है। जहाँ शाम में दोनों कैंप में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर ऐना और ब्राउनी आ जाते हैं।
एना सन से बात करने की बहुत कोशिश करती है पर सन उसकी बात नहीं सुनता। एना कहती कि मैं तुम्हारे लिए बहुत दूर से आई हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। एना सन से ये बात कन्फेस करती है कि ये सच है कि मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी स्टोरी जानने के लिए आई थी, पर तुम्हारे साथ में रहकर तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। लेकिन फिर भी सन उसकी बात का बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वापस आने पर पीट सन से पूछता है कि एना कहाँ है और तुम उसे इतने अंधेरे में आखिर अकेला कैसे छोड़ सकते हो। पीट सन को एक टॉर्च देता है और कहता है कि उसे ढूंढ कर ले आओ। सन उसे ढूंढने जाता है तो एना उसे कहीं भी नहीं मिलती। एना उसे छुपकर देख रही होती है। दरअसल एना पीट के साथ में मिलकर एक प्लान बनाई थी ताकि उसे पता चल सके कि सन एना को लाइक करता भी है या नहीं। जिसके बाद एना पैर में चोट लगने का नाटक करती है तो सन उसे बहुत प्यार से उठाकर वापस से कैंप में ले आता है। वहीं पीट के मन में चल रहा होता है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, क्योंकि पीट भी यही चाहता था कि एना सन की लाइफ में वापस आ जाए। पर सन उसके मन की बात सुन लेता है और एना से पूछता है कि कैसा प्लान। अगली सुबह ब्राउनी सन को फिर से सॉरी कहती है, पर इस बार सन खुद ब्राउनी को सॉरी कहता है जैसा कि एना ने उससे कहने के लिए कहा था। वहीं ब्राउनी और पीट एक दूसरे को बहुत लाइक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एना और सन को देखते हैं। सन एना से कहता है कि तुमने जो मुझे स्टोरी सुनाई थी वो स्पेशल पावर वाली लड़की की, वो तुम ही हो ना, इसीलिए तुमने ग्रे के पेरेंट्स के बारे में पता कर लिया, जबकि मैंने तुमसे ये सब बात कभी शेयर ही नहीं की थी। और इसी तरह तुमने ब्राउनी और पीट को टच करके उनके पास्ट के बारे में पता कर लिया था। लेकिन जैसे कि मैं तुम्हारे थॉट्स को नहीं सुन पाता, वैसे ही तुम मुझे टच करके मेरे पास्ट के बारे में नहीं समझ पाती। हम दोनों ही की स्पेशल पावर एक दूसरे पर काम नहीं करते। एना कहती कि हाँ ये सच है। यहाँ हमें पता चलता है कि एना के पास भी एक सुपर पावर होती है जिससे कि वो किसी के भी पास्ट का पता लगा सकती थी। सन कहता है कि मैं भले ही तुम्हारे थॉट्स नहीं रीड कर सकता, पर मैं तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ों को सुन सकता हूँ। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सन एना को प्रपोज करता है और इसी के साथ में इस प्यारी सी लव स्टोरी का यहीं पर एंड होता है।